गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5. एंड व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड. लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो ऐड करेंगे हम, ओके, टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये नंबर्स जो गिवन है इनमें हम क्या ऐड करेंगे वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो दैट गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे हमें क्या मिल जाए, वो नंबर ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर. आपको जो स्क्वायर नंबर मिला, परफेक्ट स्क्वायर मिला, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. क्लियर? ओके, फर्स्ट पार्ट इज 525. तो इसमें सिंपल सा आपको डिवीजन मेथड अप्लाई करना है जो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, तो वी विल अप्लाई हियर डिवीजन मेथड. ओके, यू नो वेरी वेल हाउ टू अप्लाई डिवीजन मेथड. तो गिवन नंबर इज राइट हियर, आफ्टर देन पेयरिंग फ्रॉम द राइट. ओके, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट पेयर एंड दिस इज सिंगल, दिस इज सेकेंड पेयर. ओके, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लेफ्ट मोस्ट में जो पेयर बना है, इस पेयर में देखना है कि ये किस नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, या फाइव है वो किस नंबर के स्क्वायर से स्मॉलर है. ओके, क्लियर? तो यू नो वेरी वेल टू स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होता है 4. तो और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, एंड 9 इज द ग्रेटर देन 5. ग्रेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2. ओके, 2 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे वी राइट हियर 2. ओके, एंड जस्ट सिमिलरली यहाँ पे सेम नंबर लिखा जाता है, ये 2 लिखा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा. क्लियर? तो यहाँ पे कोसेंट का फर्स्ट डिजिट क्या बना, 2 बन गया. क्लियर? तो यहाँ पे 2 × 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखेंगे, और 2 + 2 इज राइट हियर. क्लियर? 5 − 4 दैट इज 1. यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पेयर है पूरा का पूरा यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, तो ये क्या बन गया, 125 बन गया, 125 बना. अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर पुट करना है कि या तो 125 आ जाए एग्जैक्टली, या यहाँ पे और यहाँ पे रखने पर वो मल्टीप्लाई जो यहाँ बनेगा ऊपर टू डिजिट का नंबर, यहाँ से मल्टीप्लाई होके 125 से लेसर आ जाए, या एग्जैक्टली 125 आ जाए. क्लियर? तो यहाँ पे देखो, आपको पता है 4 43 जा 120 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा, और सेम नंबर यहाँ पे पुट किया जाता है. अब 43 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए आप, 43 × ये 3 करेंगे, 3 जा 9 एंड 12, 129 इससे ज़्यादा हो रहा है, 125 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई होने के बाद तो लेसर आना चाहिए. सो वी विल पुट हियर 2 × 2. तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, और 2 पुट करते ये 2 का 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 2 × 8, ओके, 84 बना. सब्ट्रैक करेंगे, अब यहाँ पे सेम डिजिट क्या पुट किया, 2, देन वी राइट हियर 2. ओके, तो एंड 120 सब्ट्रैक्ट 84 फ्रॉम 125, दैट इज 1 टाइम एंड 4 टाइम. अब यहाँ पे रिमाइंडर 41 आया, इसका कोई क्वेश्चन में लेना देना नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा क्वेश्चन में. हमें यहाँ पे फोकस करना है, ये 22 के स्क्वायर से क्या है, ग्रेटर है नंबर, जो 5 to 5 है ये ग्रेटर है, और इसमें क्या ऐड करेंगे कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो 22 का तो ये स्क्वायर है, तो हम देखेंगे 23 का स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो 23 का स्क्वायर बनाएंगे. ओके, तो स्क्वायर ऑफ 23 का स्क्वायर चेक करो, 23 का स्क्वायर होता है 529. या फाइंड आउट कर सकते हैं 23 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट मेथड से, 3² 9, 2² 4, 3² 6, 12 9, 2 and 1 carry हुआ तो 5. तो 529 इज स्क्वायर ऑफ 23. ओके, क्लियर? देन
अब क्या ऐड करेंगे, तो वो नंबर ऐड करने है वो कहाँ से फाइंड आउट होगा, जो 23 का स्क्वायर आया है और जो गिवन नंबर है, तो 23 के स्क्वायर में से यानी कि 529 के इसमें से क्या सब्ट्रैक कर लेंगे हम, 525 सब्ट्रैक करेंगे, तो 529 माइनस 525 सब्ट्रैक किया कितना आया, 9 में से 5 4 बच जाएगा सिंपली। ओके, तो वी मस्ट देन वी राइट हियर वी मस्ट बी एडेड 4 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, देखो 525 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 529 मिलेगा, और 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23, इट मींस 529 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये जो 529 आया है, फर्स्ट आंसर इज दिस, क्वेश्चन में जो पूछा है कि क्या ऐड करेंगे, तो हमने ऐड किया 4 और 4 ऐड करते ही ये नंबर बन जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है, इसका क्यूब रूट भी फाइंड करना है, स्क्वायर मिला आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो यू नो वेरी वेल 529 पेयरिंग फ्रॉम राइट मोस्ट, ओके दिस इज फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, एंड यू नो वेरी वेल यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा 5 से लेसर, ओके 2 इंटू 2 इनका मल्टीप्लाई, यहाँ पे यहाँ क्या डिजिट पुट किया 2, क्लियर, और इनका सम आ जाएगा यहाँ पे 4, सब्ट्रैक्ट करो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट 1, नाउ वी राइट हियर नेक्स्ट पेयर 29, ओके एंड यू नो वेरी वेल हाउ कम्स 9, पुट हियर सेम नंबर, ओके किन दो नंबर का मल्टीप्लाई 9 होगा, तो ये बन जाएगा 3 and 3, क्लियर, तो 3 3 9 12, एग्जैक्टली 129 आया, देन रिमाइंडर विल बी 0, एंड वी व्हाट विल बी पुट हियर, व्हाट इज पुट हियर, क्या रखा है यहाँ पे 3, इट मींस वी आल्सो पुट हियर 3, एंड वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23, दिस इज योर आंसर, ओके क्लियर, थैंक यू।